बाकी सब के अंदर, चाहे वो आई एम इंदौर हो, चाहे वो आई एम रोहतक हो, चाहे वो सिम्बोसिस पुणे नोएडा हो, चाहे वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो, इन सब के अंदर आपका केवल और केवल एप्टीट्यूड सिलेबस आता है। एप्टीट्यूड का मतलब लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, 8th 9th 10th की मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, जीके, जो आपका जनरल सीयूईटी का जो जनरल टेस्ट का सिलेबस है ना, एलवन लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट, वही सेम सिलेबस आईपी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस, आई एम रोहतक, आई एम इंदौर के अंदर आता है। इनमें से किसी भी, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इनमें से किसी भी एंट्रेंस के अंदर, इनमें से किसी भी एंट्रेंस के अंदर आपके पास डोमेन नहीं आते, डोमेन सिर्फ और सिर्फ सीवीटी के अंदर आने वाले हैं, बाकी सब में आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी चलने वाली है।